तेजस्वी जी पर निशाने के बजाय तेजस्वी जी के समर्थन में जो नौजवान खड़े हैं बिहार के, उनको निशाने पर रख रही है। आपने देखा होगा कि आर्थिक अपराध इकाई ने माना कि पर्चा लीक हुआ है, इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जन विश्वास यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाने का काम किया, जनता को बताने का काम किया, और जनता ने जिस तरह से उनको हाथों हाथ लिया, ये स्पष्ट रूप से दिखा कि जन विश्वास तेजस्वी जी के नेतृत्व पर है। नमस्कार, मैं निधि सिंह और आप देख रहे हैं रबसी लाइव। और अभी हमारे साथ मौजूद है एजाज अहमद सर। सबसे पहले तो सर, हमारे चैनल में आपका बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से बिहार में पेपर लीक का मामला तूल पकड़ा हुआ है और आज बीजेपी ऑफिस के सामने तमाम शिक्षक लोग आकर हंगामा कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं सरकार पे कि बीते दिन ही हमें नोटिस आया और आज हम लोगों को बेरोजगार कर दिया गया, क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, अतिथि शिक्षकों का जो मामला है और जिस तरह से सरकार बदले की भावना के तहत नौजवानों को रोज़गार छीनने का काम कर रही है, चूँकि जिस दिन से नौजवानों ने कहा कि हमको तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास है, हमको तेजस्वी जी के बातों पर विश्वास है, तेजस्वी जी ने जो नौकरी और रोज़गार दिया है उस पर विश्वास है, उसके बाद से सरकार अपना एजेंडा को बदल ली है। और सरकार तेजस्वी जी पर निशाने के बजाय तेजस्वी जी के समर्थन में जो नौजवान खड़े हैं बिहार के, उनको निशाने पर रख रही है। और आपने देखा होगा TRE3 का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ, चूँकि सरकार वीक हो चुकी है तो पर्चे लीक हो रहे हैं। अब पर्चे लीक करने वाली सरकार किस तरह का काम कर रही है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कि आर्थिक अपराध इकाई ने माना कि पर्चा लीक हुआ है, इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, लेकिन BPSC मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सरकार ने कह रखा था कि आपको तब तक नहीं मानना है जब तक जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में विद्यार्थी शामिल हुए हैं उन लोगों से डिमांड नहीं आना शुरू हो जाए, क्योंकि जब डिमांड आना शुरू हो जाएगा तो बच्चों को कहेंगे कि आपके मांगों के अनुरूप हमने परीक्षा को रद्द कर दिया, ताकि बच्चों का गुस्सा सड़कों पर नहीं दिखे, घरों में नहीं दिखे, सरकार के खिलाफ नहीं दिखे, ये सरकार की सोच थी। सर, एक सवाल और है, जिस तरह से RJD ने पप्पू यादव को दरकिनार कर दिया है, तो अब पप्पू यादव का अगला कदम क्या हो सकता है सर, जो कि राजद के लिए महंगा पड़ सकता है? कहाँ RJD दरकिनार की, RJD में तो वो है भी नहीं, कहीं ना कहीं वो अपने पिता मानते थे भाई प्रसाद यादव को, तो पिता पुत्र का जो कर्तव्य होता है एक दूसरे के प्रति, वो उल्हानने का नहीं होता है, वो एक दूसरे को दोषारोपण का नहीं होता है। पिता अगर कोई काम करते हैं तो पुत्र उसको सहर्ष स्वीकार करता है, पुत्र कहता है कि पिता का आशीर्वाद मेरे लिए शिरोधार्य है। वो पुत्र ही क्या जो पिता के बातों को दरकिनार करके अपनी बातें रखना शुरू कर दे। वहाँ पे सर बीमा भारती को वहाँ पे चली गई है, तो क्या लगता है पप्पू यादव का वहाँ पे क्षेत्र है और उनसे जनता ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो बीमा भारती पे भारी पड़ सकता है सर? देखिए, भारी हल्का लोकतंत्र में जनता के फैसले से होता है, और जनता किसके साथ खड़ी है वो सबको पता है, जनता का विश्वास किसके साथ है वो सबको पता है। जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जन विश्वास यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाने का काम किया, जनता को बताने का काम किया, और जनता ने जिस तरह से उनको हाथों हाथ लिया, ये स्पष्ट रूप से दिखा कि जन विश्वास तेजस्वी जी के नेतृत्व पर है, जनता का विश्वास तेजस्वी जी पर है, जनता का समर्थन तेजस्वी जी पर है। तो स्पष्ट रूप से जब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार तेजस्वी जी के द्वारा किए गए कार्यों पर टिक नहीं पा रहे हैं, तो दूसरे लोग कहाँ टिक पाएंगे, ये स्पष्ट रूप से बताने की आवश्यकता नहीं, सबको पता है। सर, एक आखिरी सवाल और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव में पाटलिपुत्रा सबसे हॉट सीट कहा जाता है और इस सीट में मीसा भारती को लाया गया है, क्या लगता है कि यहाँ आने के बाद उनका यह सीट बरकरार रहेगा सर? देखिए, मीसा भारती जी जो विचारों से ओतप्रोत हैं, जो जनता और जनता के लिए, जनता के हितों के लिए सोच रखती हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम जनता के मुद्दे पर, जनता के सवालों पर, जो महिलाओं के साथ मान सम्मान का मामला है, महिलाओं को न्याय दिलाने का मामला, उन सवालों पर, जो गरीब और गरीब होते जा रहे हैं उन सवालों पर, जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है, जिस तरह से
जो भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप देने वाली भारतीय जनता पार्टी है, उसके खिलाफ हम मजबूती से खड़े हैं और मजबूती से हम आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसलिए हमारे प्रति जो लोगों का विश्वास है, जो लोगों का समर्थन है, वो आने वाले समय में और मजबूत होगा और हम पाटलिपुत्रा समेत 40 लोकसभा क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से जीतने जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ जो देश की जनता, देश के लोगों का मूड है, जो बिहार के लोगों का मूड है, अब बिहार में जो डबल इंजन की सरकार ट्रबल इंजन हो चुकी है, उसको उखाड़ फेंकने के प्रति जो संकल्पित है, उस संकल्प को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे और स्पष्ट रूप से आप देखेंगे कि उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, एक क्वेश्चन और है कि जैसे लालू प्रसाद यादव अपनी एक और बेटी का राजनीति में कदम रख रहे हैं, तो क्या लगता है सर कि ये जो पार्टी है प्रॉपर रूप से परिवारवाद पार्टी ऐसा लग रहा है सर? आप उनसे क्यों नहीं पूछते हैं जो अपनी बेटी को अपने हैं जनता दल यू में और बेटी को लोजपा से टिकट दिलाए, तो वो परिवारवाद नहीं है? उनसे क्यों नहीं पूछते हैं जो एक दिन भी राजनीति नहीं किया हो और वो अपने बहनोई को चुनाव मैदान में उतार दिया हो? उनसे क्यों नहीं पूछते हैं जो अपने पिता, पुत्र, दामाद, समधिन का पार्टी बना करके चला रहे हैं? उनसे क्यों नहीं पूछते हैं जो बाप बेटा की पार्टी है कर्नाटक में HD देवगौड़ा की, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है? आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए न कि सम्राट चौधरी किस चीज़ के उपज हैं, वो परिवारवाद के उपज नहीं है क्या? परिवारवाद ही राजनीति के उपज नहीं है क्या? नितिन नवीन क्या हैं? अभी जो दिया गया नवादा से टिकट CP ठाकुर के बेटा को, वो क्या हैं? पूरी राजनीति की श्रृंखला भारतीय जनता पार्टी की परिवारवादियों के साथ चल रही है। परिवारवाद को जितना संरक्षण भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ दे रही है, वो और उस तरह की राजनीति कोई दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं। चूँकि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विचार सुन्न हो चुका है। कल तक भारतीय जनता पार्टी के लोग कहा करते थे कि हम संघ परिवार के लोग हैं, और आज वही भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कहते हैं हम मोदी परिवार के लोग हैं। तो आपकी सोच कहाँ पहुँच गई? आपने विचार को शून्यता में पहुँचा दिया और व्यक्तिवाद की राजनीति को आगे बढ़ा दिया। तो किस तरह की आप राजनीति कर रहे हैं, किस तरह से आपकी राजनीतिक सोच चल रही है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो ऐसे ही तमाम अच्छी खबरें के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल रबसी लाइव न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।